हेलो फ्रेंड्स, 100 में से 90% लोग दोस्तों स्ट्रेच मार्क्स की वजह से परेशान रहते हैं। स्ट्रेच मार्क्स होने के दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों प्रेगनेंसी, तेजी से वजन घटना या बढ़ना, टीनेजर अवस्था में आपकी ग्रोथ होना, या किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होना, या फिर दोस्तों आपके मसल का साइज रैपिडली ग्रो होना। इन सब कारणों की वजह से आपको जो है स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स दोस्तों दिखने में बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, जिसको दूर करने के लिए हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना खर्चा करवाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ इसी वजह से आपके स्ट्रेच मार्क्स ठीक हो जाते तो जितने भी दोस्तों अमीर वर्ग के लोग हैं उनको कभी भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते। पर अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को घर बैठे बैठे ही बिल्कुल दूर भगा पाएंगे। वो आपकी स्किन से बिल्कुल डिसअपियर, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। दोस्तों हम बिना वक्त जाहिर करे इस नुस्खे को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाजू में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो इस नुस्खे में जो चीज़ हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों लेमन। लेमन का इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए करें क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नेचुरल फ्रूट एसिड होते हैं, जो आपकी स्किन को ब्लीचिंग करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रेच मार्क्स की रेडनेस होती है वो रिमूव होती है, और आपकी स्ट्रेच मार्क्स की दरारों को भरने के लिए नींबू बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हम आधा कटा हुआ नींबू का रस ले लेंगे इस तरीके से। आप जो है इसका रस लेने के बाद इसके बीज को अलग कर सकते हैं। अब जो दोस्तों हम सेकेंड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल दोस्तों हम सब जानते हैं कि स्किन को सॉफ्ट करने के लिए कितना ज़्यादा कारगर रहता है। जब दोस्तों हमें स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उस ड्राइनेस को हील करने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको जो है 1.5 चम्मच करीब कोकोनट ऑयल को यहाँ पर ले लेना होगा, और अब इन दोनों चीज़ों को आपको जो है अच्छे से ऐड कर देना है बिल्कुल इस तरीके से, और इसे 20 सेकंड तक चला लेने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जिस अगले इंग्रेडिएंट का आपको इस्तेमाल करना है वो जो है दोस्तों आपकी स्किन का कोलाजन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। कोलाजन दोस्तों हमारी स्किन का एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी जो स्किन है उसकी शेप को मेंटेन रखता है, ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छी और टाइट दिखे, और हमारी उम्र के साथ साथ हमारे बॉडी का कोलाजन जो है घटने लगता है। उसे बढ़ाने के लिए दोस्तों शुगर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि ये आपकी स्किन को टाइट करने का काम करती है। शुगर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही अच्छा भंडार है, जिसकी मदद से आपके स्ट्रेच मार्क्स को हल्का किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, और इससे हम एक ऐसा स्क्रब तैयार करेंगे जिससे आपकी जो स्किन है एक्सफोलिएट होगी और आपकी बॉडी से स्ट्रेच मार्क्स दूर होगा। तो यहाँ पर आपको जो है 2 चम्मच के करीब शुगर को ले लेना है, और अब इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ऐड कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। जब आप दोस्तों नहाने वाले हों तब आपको इसे इस तरीके से लेना है, और अपनी स्किन पे जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है वहाँ इसे अच्छे से अप्लाई करना है। आपको शुगर को पीस कर नहीं लेना है, आपको इसे साबुत ही लेना है ताकि ये स्क्रब अच्छे से करे। आपको 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से स्क्रब करना है, और उसके बाद आप जो है इसको धो सकते हैं। हफ्ते में कुछ दिन भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप रिजल्ट देख पाएंगे कि आपकी स्किन में कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा। आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाएगी, कोलाजन उसका बढ़ जाएगा, और आपकी जो स्किन है उससे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगा जैसे आपकी स्किन पे वो कभी था ही नहीं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आप लोग के लिए आज का नुस्खा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।